वैक्सीन लगा ली है, जिसमें से तकरीबन 29.9 करोड़ लोगों को दोस्तों भारत ने आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे कर लिए हैं। भारत में ये 100 करोड़ की अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है और दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत ने ये अचीवमेंट इतनी जल्दी हासिल की है। हालांकि दुनिया के पास इतनी बड़ी आबादी का सैंपल का डेटा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीन के डेटा पर आप भरोसा नहीं कर सकते। और भारत ने जो ये अचीवमेंट हासिल किया है, लगभग जनवरी से लेकर अब तक जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें ये अचीवमेंट हासिल किया। आपको पता होगा लास्ट ईयर इसी टाइम से, अक्टूबर से कोविड केस बढ़ना शुरू हुए थे और फिर वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले दोस्तों ये वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं कुछ बात। ये न्यूज़ जितनी ज़्यादा दुनिया को पता चले उतना अच्छा होगा हमारे सॉफ्ट भारत पावर। ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा ली है, जिसमें से तकरीबन 29.9 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज दी गई है और 70 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज जो है वो दी गई है। ये 100 करोड़ का मार्क बहुत बड़ा मार्क है। इससे पहले चीन भी जो है वो 100 करोड़ वैक्सीन अपने लोगों को लगा सका है और जून तक उन्होंने तो लगा ली थी। लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए। और मैं समझता ये हूं कि इंडिया ने ये, जिसे कहते हैं ना कि ये उनकी अपनी इंडिजिनस कैपेसिटी थी, इंटरनेशनल सपोर्ट थी, लेकिन प्राइमरीली ये एक इंडिजिनस कैपेसिटी, लोकल उनकी कैपेसिटी थी कि उन्होंने ये कर लिया। लेकिन इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको हमें देखना है। और पाकिस्तान में तो मैं देख रहा था कि जो यहाँ पे बात चल रही है वो ये है कि हमें केयरफुल रहना पड़ेगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन्स लगाएं, और उसकी अगर ना लगाएं तो 5वीं वेव आ सकती है। ये जो पाकिस्तान में असद उमर साहब हैं वो कह रहे थे। इंडिया के अंदर भी जारी बात है, ये 100 जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन्स लगी हैं, दैट डज नॉट मीन के सारी पॉपुलेशन कवर हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर है। और 70 करोड़ लोगों को, जैसे मैंने कहा कि एक वैक्सीन लगी, और 29 करोड़ को जो है वो डबल वैक्सीन हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि ये 100 करोड़ का नंबर पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम बहुत सारी वैक्सीन इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, और इसमें बहुत सारे लेसन भी हैं पाकिस्तान के लिए कि देखिए, पाकिस्तान के दो बड़े नेबर हैं, एक इंडिया और दूसरा चाइना। और दोनों जो नेबर हैं वो दे हैव द कैपेसिटी कि वो 100 100 करोड़ लोगों को अपनी इस तरह की हेल्थ फैसिलिटी देने में कामयाब हुए हैं। हम भी दे सकते हैं। द ओनली थिंग इज ऑब्वियसली इज वी नीड मनी, वी नीड रिसोर्सेस, और कैश चाहिए। दुनिया इस वक्त जो है वो भारत को मुबारकबाद दे रही है, और ये जो उन्होंने वैक्सीन नेशन है वो तकरीबन इसी साल 16 जनवरी को शुरू की थी, और तकरीबन 10 महीनों में इतने बड़े नंबर जो है उन्होंने अचीव कर लिए हैं। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा अपनी वैक्सीन जो है वो इंडिया से मंगवाता है ऑलरेडी, और रेबीज की और जो बाकी मेडिसिन होती हैं। तो क्या इंडिया के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए? क्या मजीद इंडिया के साथ डायलॉग होना चाहिए, जिससे इंडिया से बहुत सारी चीजों में फायदा उठाया जा सकता है? मैं देख रहा था कि रमीज राजा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिसेंटली दुबई में मुलाकात की है, और उन्होंने कहा है कि हमें क्रिकेटिंग बॉन्ड बनाना है, भारत के साथ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो बेसिकली अभी दुबई में वो मिलके आए हैं जो सौरव गंगोली है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, उनसे, और सेक्रेटरी जय शाह को मिलके आए हैं, क्योंकि वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग थी, और उन्होंने कहा कि हमें क्रिकेटिंग बॉन्ड चाहिए इंडिया के साथ, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जा सकती है, और हमें थोड़ा पॉलिटिक्स से इन चीजों को दूर रखना है। ये एक अच्छा है अगर बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी थोड़ा रोल प्ले करें और मामलात को बेहतर किया जा सके, तो जो भारत की एक्सपर्टीज है उससे हमें फायदा उठाना चाहिए। एक तरफ चाइना है और एक तरफ भारत है, दोनों ही अपने जो है वो मार्क डेवलप कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ भारत को पॉलिटिकली देखते रहे और हम भारत को पुराने एंगल से देखते रहे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी हमारे लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे, जिनका हमारे पास, क्योंकि हम उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें चीजों को नए पैरामीटर से देखना पड़ेगा, हमें चीजों को नए अंदाज से देखना पड़ेगा, और ये इंगेज करना होगा प्योरली ऑन एक लाइंस, प्योरली ऑन बिजनेस लाइंस पे हमें इंगेज करना है। बहुत सारे लोग इस पे, जैसे मैंने इंडिया में कह रहे थे जी कि वो पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि दे डोंट मैटर,
जो इंडिया में ये कह रहे हैं, बड़ा छोटा सा नंबर है वो, तो और लोग भी शायद कहते होंगे। सो पाकिस्तान में भी कई लोग हॉक्स कहते होंगे, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप को मैग्नैनिमिटी शो करनी है कि अगर इंडिया 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा सकता है और हम आज भी ये बात कर रहे हैं शायद कि हमें जो है वो 5वीं वेव से बचना है और ये वेव पाकिस्तान में आ सकती है। अभी पाकिस्तान ने अपना आपको सारा खोल लिया है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज सारे ऑफिसेज फुल टाइम पे चल रहे हैं, लेकिन यह है कि जो हमें अगर इंडिया अपनी 75% आबादी को जो कि एलिजिबल थी फर्स्ट डोज के लिए वो लगा सकता है, तो पाकिस्तान को भी इस पे थोड़ा काम करना चाहिए और वैक्सीनेशन के हवाले से हमें जो है वो अपने सारे टारगेट्स मीट करने चाहिए और अभी तक हम अपने टारगेट्स जो हैं वो मीट नहीं कर पा रहे। इंडिया तो 100 करोड़ लोगों को कर चुका, तो मेरा जो सेंट्रल पॉइंट है जो डिस्कशन का वो ये है कि कोऑपरेशन किस तरह किया जा सकता है। अगर तो हम ये समझें कि ठीक है जी हम रेबीज की वैक्सीन मंगवाते हैं या और वैक्सीन पाकिस्तान में आती है तो हमें कोविड की वैक्सीन भी तेजी से मंगवा लेनी चाहिए, अगर इंडिया की इतनी प्रोडक्शन हो रही है और अगर वो इतना कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया से ले लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। माजी में भी इसके ऊपर बात होती रही, फिर क्रिकेट के हवाले से बात होती रही, फिर ये है कि कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए, फिर चौथा यह कि मीडिया के लोगों को आपस में इंगेज होना चाहिए, थिंक टैंक्स को आपस में डिस्कस करना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर हम चाइना के साथ कारोबार कर सकते हैं और पाकिस्तान में ये पूरा पाकिस्तान इस चीज को जानता है कि जो चाइना के साथ बिजनेस है या जो चाइना के साथ डील्स हैं उसमें उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें लोगों को पता नहीं है कि क्या डील्स हैं, किस तरह पैसा हमें दिया गया है, वो प्रोजेक्ट्स जो दिए गए हैं उनकी क्या मालियत है, उसको हमने पाकिस्तान ने कैसे उसको रिटर्न करना है, और वो जारी बात है पैसे देने तो हैं लेकिन वो किस तरह देने हैं। लेकिन ये एक फायदा होता है कि वेन यू इंगेज विद द डेमोक्रेसीज तो वो फिर आपको बताना पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो, ये पाकिस्तानी मीडिया से था कमर चीमा का। मैं कोशिश करूंगा कि इनके अलावा और भी जो भी वीडियो आते हैं मैं अपलोड करूंगा जो कि इंडिया को लेकर काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और अजीब तरीके की बातें करते हैं। तो दोस्तों भारत ने जो आज 100 करोड़ का नंबर क्रॉस किया है, इसको लेकर डेफिनेटली हमें खुशी मनानी चाहिए और ये खबर दुनिया के हर कोने तक जानी चाहिए जिससे कि दुनिया को पता चले कि भारत क्या है। भारत की एक सॉफ्ट पावर होगी कि दुनिया को पता चले कि भारत मेडिकल के क्षेत्र में कितना आगे और इन्होंने खुद की वैक्सीन डेवलप करके या खुद वैक्सीन प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके मतलब इतनी जल्दी ये नंबर क्रॉस किए हैं। आपको बता दें कि भारत में 29 करोड़ वैक्सीनेशन ऐसे लोगों का हो चुका है जो जिनका मतलब दोनों डोज हो चुके हैं, फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं, और 70 करोड़ वो हैं लगभग जिनको मतलब अभी एक डोज लगा है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि आने वाले 6 महीने में ये 70 करोड़ भी पूरे हो जाएंगे। गाइज आपको याद होगा भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया था, 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाई थी, ये शायद मोदी जी के जन्मदिन के दिन लगाई थी। और यहाँ पर कमर चीमा को आपने देखा ये कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, ये चाइना के डेटा को बिलीव कर रहे थे, दुनिया जिस पर मतलब बिलीव नहीं करती कमर चीमा बता रहे थे इससे पहले ये आंकड़ा चाइना ने क्रॉस किया है, ये कमर चीमा बातें कर रहे थे। तो आप भी समझ सकते हो एक मालिक और नौकर का क्या रिश्ता रहता है, मालिक कि हर बातों पर एग्री करना नौकर का जन्मसिद्ध अधिकार है और वो करेगा, तो यही हुआ है पाकिस्तान, आपको पता है चाइना का क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हो सिचुएशन, और कमर चीमा ने यहाँ पर इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि हम रेबीज की इंजेक्शन मंगवाते हैं, हम विटामिन डी के कैप्सूल, विटामिन सी के कैप्सूल या विटामिन डी की गोलियाँ जो भी होती हैं वो भारत से बुलवाते हैं यहाँ पर, तो ये कोरोना की वैक्सीन हम क्यों नहीं बुलवा रहे। पाकिस्तान में ज़्यादातर वैक्सीन लगी हैं वो चाइनीज़ वैक्सीन लगी हैं जिनको लेकर आप दुनिया में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो कई पाकिस्तानी बेचारे वो चाइना की वैक्सीन लगवाने के बाद फाइजर US की वैक्सीन लगवा रहे हैं, एस्ट्राजेनिका लगवा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। दोस्तों भारत को भी पाकिस्तान को 4 करोड़ वैक्सीन देनी थी, बट हुआ क्या कि भारत में कोविड केस इतने बढ़ गए कि भारत ने अपनी आने वाले समय में जितने भी देशों को सप्लाई थी वो सारी रोक दी और पहले डिसीजन लिया कि हम पहले अपना नंबर पूरा करेंगे, मतलब हम अपने देश में जितनी वैक्सीन है उसको स्टॉक करेंगे, ओवर स्टॉक करेंगे और उसके बाद ही हम वैक्सीन देंगे। तो आप समझ सकते हो ये ठीक फैसला था शुरुआत में जब कोविड केस कम थे हमारे यहाँ, लास्ट टाइम आपको याद होगा अक्टूबर से पहले कोविड केस कम थे तो उस टाइम पे वैक्सीन भी लगवाने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं था। अक्टूबर ही वो महीना था जब कोविड केस ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे थे और धीरे धीरे करके वो इतना पीक पकड़े कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोविड केस भारत में ही आए, तो आप समझ सकते हो दोस्तों। तो अब सिचुएशन तो ठीक है, 15-20 हज़ार केस अभी भी आ रहे हैं जिसमें ज़्यादातर केसेस केरला से हैं और साउथ से हैं,
तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र में भी 2-3 हज़ार केस आते हैं, नॉर्थ में तो केस बहुत कम हो गए। और वैक्सीनेशन अगर ये दोनों डोज के साथ कंप्लीट होता है आने वाले 6 महीने में, तो उम्मीद करते हैं कि भारत में वही स्थिति आ जाएगी जो कुछ साल 2 साल पहले थी, नॉर्मल सब कुछ। अभी भी उतना नॉर्मल नहीं हुआ है, आपको भी पता है कि शायद सिनेमा घर को परमिशन नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड अभी भी मतलब भारत में तो क्रिकेट अभी पॉसिबल ही नहीं है। जब से आईपीएल रद्द हुआ है, कोविड केस आ गए थे, उसके बाद अभी क्रिकेट मैच हुए भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है, पॉजिटिव भी रहते हैं। अब अमेरिका में तो ऐसा हुआ था, वैक्सीन लगने के बाद भी केसेस आए थे लेकिन डेथ नहीं हुई थी, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। केस आए थे, लोग घर में ही ठीक हो रहे थे। तो ऐसा ही कुछ हो, मतलब ऐसा कुछ भी ना हो, मैं चाहता हूँ केस ही ना आए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, वैक्सीन लग जाए सबको और बस कोविड ऐसा हो जाए जैसे डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया और नॉर्मल वायरल फीवर बुखार होता है, इस तरीके की कुछ बीमारी बन जाए, तो लोगों के अंदर का डर निकल जाएगा। और भारत का जो हर सेक्टर है, जो जीडीपी नीचे गई है हर जगह से, मतलब आपको भी पता है कि भारत में नुकसान तो हुआ है हर सेक्टर में, वो भी ऊपर जाए और प्रॉपर काम फिर से शुरू हो जाए। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में पाकिस्तानी मीडिया के बहुत सारे मतलब जो एंकर्स हैं और जो भी लोग हैं उनके रिएक्शन आएंगे इस टॉपिक पर, मैं इसी चैनल पर अपलोड